बालोद जिला का अंतिम छोर कहां जाने वाला जनपद पंचायत डोंडी में सरपंच सचिव की सूझबूझ और ग्रामवासी की सहयोग से जो विकास वर्तमान सरपंच ने किया काबिले तारीफ है। पहले यहां के लोग जिन समस्याओं से गुजर रहे थे और सहन कर रहे थे उससे निजात वर्तमान सरपंच ने दिलाया। पीने की पानी, सड़क, रोजगार, मनरेगा के तहत निर्माण कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र, सीसी रोड, नाली निर्माण, तालाब गहरीकरण, नल जल योजना के अलावा काफी सारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण ले रहे। ये इस बात प्रतीक है कि सरपंच को जो दायित्व दिया गया उसे अच्छे से निभाया जा रहा है। वर्तमान सरपंच सचिव के कार्यकाल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो अधूरा हो और विकास जो हुआ है वह गांव में देखने को मिल जाता है। शासन के नए योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के साथ साथ हमन बचाबो पानी जैसी योजनाओं को ग्राम पंचायत में काफी तेजी से ग्रामीणों के साथ मिलकर क्रियान्वित कर रहे हैं ताकि पानी बचाया जा सके। भविष्य में अगर ऐसे सरपंच सचिव हो जाए तो कभी किसी पंचायत को शासन के अधूरे कार्य के लिए बदहाली के आंसू रोना नहीं पड़ेगा। ये गांव को सामाजिक समरसता के लिए भी काफी जाना जाता है। यहां भाईचारा की मिसाल देखने को मिलता है। पंचायत कलारी जिला वालों छत्तीसगढ़, पिछले कई वर्षों से जो विकास जो है आज इस पंचवर्षी में जनता ने जो मुझे जिस पद का निर्वहन का दायित्व दिया है मैंने गाँव विकास के लिए अपना पूरा पूरा समय दिया है। मैं शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज विकास जनता की नज़र में दिख रही है। जिस तरह से जनता ने मेरे लिए मेरे सोच को आगे बढ़ाने का सहयोग करेंगे, मेरे परिवार के सदस्य जो है सहयोग करते रहे हैं, तो मैं गांव विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और आगे विकास की ओर हमारे गांव अग्रसर होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अभी जो वर्तमान में विकास कार्य जो 80 लाख रुपये का इस पंचवर्षीय में हुआ है जिसमें सीमेंटीकरण, गांव में 2-3 आंगनबाड़ी, तालाबों कचरी का मनरेगा के तहत डबली और कई ऐसे कार्य हुए हैं जो वर्तमान में एक विकास की मिसाल है। मैं श्रीमती मिथिलेश खरांसू, मेरे ग्राम का नाम है खल्लारी, मेरे क्षेत्र क्रमांक 3 है, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मैं मेरे जनपद पंचायत डोंडी, मैं मेरे जनपद क्षेत्र के लोग मुझे तो डोंडी ब्लॉक से सबसे अधिक जनसंख्या में जिताए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जनपद विकास निधि से जितने भी फंड आए हैं मैं अपने जनपद क्षेत्र में विकास कार्य के लिए लगाई हूँ। और सांसद से, विधायक से जो भी मांग की है वो दिए हैं, उसको भी अपने मैं क्षेत्र में लगाई हूँ विकास कार्य के लिए, और आगे विकास कार्यों के लिए कोशिश करेंगे। अभी तक कर रहे हैं, विकास कार्य तो हो रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, आगे और ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ, खल्लारी में तो विकास कार्य हुआ है, नरेगा के माध्यम से हुआ है, अपने अलग अलग निधि से, फंड से, सभी प्रकार से सीसी रोड हुआ है, नाली निर्माण हुआ है। For more information, log on to www.clips.in.